हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है, 1/2 लीटर दही, 1 kg चावल और 4 डलियों का हरा मसाला है। इसमें मैंने हरी मिर्ची, कोथिंबीर, पुदीना, नमक, लहसुन डालकर पीस लिया है और इसके लिए हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बिरयानी के लिए अब हम अखनी को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून गरम मसाला, इलायची, लौंग, दालचीनी का है ये, 2 स्पून नमक, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 नींबू का रस है और ये 1/2 लीटर दही हम इसमें मिला देंगे और ये 4 से 6 हरी मिर्च है और ये हरा मसाला। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसमें तली हुई प्याज भी डालना है, हमारी प्याज तल रही है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। हमने प्याज तल ली है, हम इसमें थोड़ी सी प्याज भी ऐड करेंगे और ये प्याज का तले हुआ तेल है ये भी हमें डालना है, इससे सखनी का मज़ा अच्छा होगा क्योंकि इसमें सारे प्याज का मज़ा इस तेल में मिक्स हो गए रहता। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अखनी 2 घंटे के लिए हमने मैरिनेट के लिए रखा था, हमारी अखनी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम अखनी को बघार लेंगे। इसके लिए मैंने 4 चम्मच तेल लिया है और 1 बड़ी डली प्याज ली है। अब हम इसमें डाल देंगे। हमें इस प्याज को अच्छी तरह से सुनहरी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें इस अखनी को डाल देंगे। और एक कोथिंबीर, पुदीना है ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह कर हिलाकर इसे पकने दें। हमने ये अदन के लिए पानी ले लिया है। अब हम इसमें हमारे चावल 1 kg है उसके मुताबिक हमें 1 मुट्ठी नमक लेना होगा और ये 4 चक्री फूल है, ये काली मिर्च, तेज पत्ता, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और इतना सा शाहजीरा और थोड़ा सा इसमें कोथिंबीर और पुदीना डाल देंगे। ये 4 हरी मिर्च है डालकर हम अदन को खोलने के लिए रख देंगे। ये देखिए बिरयानी का अदन आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी के लिए चावल पक गए हैं। अब हम इस चावल को निथार लेंगे। हमने इन चावलों को निथार लिया है। अब हम बिरयानी के लिए लेयर लगा लेंगे। इसके लिए हमें पहले इसमें थोड़ा सा तेल डालना है।
मिर्ची की फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं। ये गरम मसाला, नींबू का रस, ये लेमन येलो कलर है, आप जो चाहे वो यूज कर ले सकते। पुदीना, अब हम अपनी चावल की दूसरी लेयर। सॉरी फ्रेंड्स, हमने तली हुई प्याज भूल गए थे, अब हम दूसरी लेयर लगा लेंगे। हमारा आखिरी लेयर भी हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कोथिंबीर, पुदीना, और प्याज डाल रही हूँ। अब हमें तेल को इस तरह से इसमें आहिस्ता से बिरयानी में छोड़ना होगा, ताकि भगोने में चारों तरफ हमारा ये तेल फैल जाए और सारा तेल इसमें समा जाए। अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए।